फ्रेंड्स, हिंदी भाषा के साहित्य के इतिहास को हम कवर कर रहे हैं और इस सीरीज़ में फ्रेंड्स ये पहला वीडियो है, पार्ट वन है इस सीरीज़ का। ये इसमें आधुनिक काल को हम कवर करेंगे और इसका भी पहला वीडियो है जो कि भारतेंदु युग के बारे में पहला जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, आधुनिक काल का दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स आधुनिक काल को दूसरा नाम बोलते हैं गद्य काल। तो हिंदी भाषा की दो विधाएं हैं गद्य और पद्य। गद्य और पद्य में से गद्य इस काल में ही विकास हुआ है, इससे पहले पद्य में ही ज़्यादातर सभी कालों में, रीति काल हो चाहे आदि काल हो चाहे भक्ति काल हो, सभी में पद्य में ही रचनाएं हुई हैं, पद्य यानी कविताओं में। तो फ्रेंड्स गद्य काल, गद्य का विकास इसी काल में हुआ, नाटक वगैरह कहानी वगैरह इनका। आधुनिक काल का समय क्या रहा? तो फ्रेंड्स ये था 1850 से शुरू हुआ था, 1850 में भारतेंदु युग की शुरुआत हो गई थी उनके जन्म के साथ ही, और अब तक ये चल रहा है आधुनिक काल हिंदी भाषा का। आधुनिक काल का वर्गीकरण, तो फ्रेंड्स ये वो काल युग हैं आधुनिक काल के जिनमें डिवाइड किया गया है इसको, और फ्रेंड्स इनका शुरुआत का साल और समापन का वर्ष भी लिखा हुआ है। भारतेंदु युग 1850 में शुरू हुआ, 1900 में समाप्त हुआ। द्विवेदी युग 1900 में सरस्वती पत्रिका के संपादन के साथ शुरू हो गया था और 1920 में समाप्त हो गया था। तो फ्रेंड्स ये आगे भी इसी तरह से छायावादी युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवादी युग और फिर नई कविता युग ये शुरू हुए थे। और फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रहना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के चार प्रमुख काल कौन कौन से हैं? तो पहला रहा है आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, उसके बाद भक्ति काल रहा है 1350 से 1650 तक, 1650 ईस्वी तक। रीति काल फिर 1650 से 1850 तक, 1850 में शुरू हो गया था आधुनिक काल, भारतेंदु युग की शुरुआत हो गई थी। और अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग का नामकरण किन के नाम पर हुआ है? तो फ्रेंड्स भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इनका नामकरण हुआ है। इसी तरह अगला द्विवेदी युग है, उसका नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया था। तो अगले क्वेश्चंस फ्रेंड्स भारतेंदु युग से संबंधित रहेंगे, इसको पुनर्जागरण काल भी बोलते हैं भारतेंदु युग को। बहुत सारे बदलाव आए हिंदू साहित्य में इस दौरान, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएँ जो प्रेम नाम से शुरू होती हैं। तो फ्रेंड्स भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारी काव्य संग्रह है उनका जो प्रेम नाम से लिखा है उन्होंने। तो ये हैं प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, फूलों का गुच्छा, ये कविताओं का संग्रह है इनका फूलों का गुच्छा नाम से, और नाटक है प्रेम योगिनी, और भी प्रेम नाम से रचनाएं हैं जो आगे आपको बताई जाएंगी। पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था फ्रेंड्स उद्दत मारतंड, पहला हिंदी समाचार पत्र था। और फ्रेंड्स पहला देश का पहला समाचार पत्र था अपने देश का बंगाल गजट, ये किस भाषा का समाचार पत्र था ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, बंगाल गजट इसके नाम में भी। तो फ्रेंड्स कमेंट्स में लिख कर बताइए बंगाल गजट किस भाषा का था। और जेम्स अगस्त तक हिक्की ये किस तरह से जुड़े हुए हैं बंगाल गजट से। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु द्वारा चलाए गए पत्र कौन कौन से थे? तो इन्होंने समाचार पत्र भी निकाले थे फ्रेंड्स भारतेंदु जी ने, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है? पुनर्जागरण काल ये इस युग का दूसरा नाम था। हर एक युग को एक अलग नाम, अलग से नाम दिया गया है फ्रेंड्स, और ये इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए याद रखना। भारतेंदु जी ने अपनी किस कृति में देशी राजाओं को रासब यानी गधा कहा है? रासब एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है गधा, रास भी का मतलब होता है गदी। तो फ्रेंड्स भारत दुर्दशा ये रचना का नाम है, देसी राजाओं की काफ़ी आलोचना हुई है इनकी कई सारी रचनाओं में भारतेंदु जी की। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु मंडल के लेखकों की विशेषता क्या रही है? सभी पत्रकार थे फ्रेंड्स ये लेखक, और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग के काव्य की विशेषता क्या रही? तो फ्रेंड्स उस दौरान जो काव्य की रचना की जा रही थी उसकी विशेषता क्या थी? राष्ट्रीयता और देश प्रेम, सामाजिक चेतना और हास्य व्यंग ये थी।
फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम संपत्ति लता और प्रेम प्रलाप। तो प्रेम नाम से मैंने कुछ एक रचनाएं पहले बताई थी और आगे भी आ गई हैं रचनाएं। तो इनमें प्रेम संपत्ति लता ये रचना भारतेंदु जी की नहीं है। प्रेम संपत्ति लता किन की रचना है? जगमोहन सिंह की। और प्रेम पुष्पावली किन की रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। भारतेंदु युग की प्रथम प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, रचनाकार भी पूछ लिए जाते हैं, कमेंट्स में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा भारतेंदु युग का रचनाकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, इनके नाम आपको याद रहने चाहिए, भारतेंदु मंडल के तो आपको ज़रूरी याद रहने चाहिए। प्रताप नारायण मिश्र हैं, इनका जन्म और मृत्यु की साल भी लिखी हुई है। और फ्रेंड्स, उस काल के जितने भी कवि हुए, मैंने नोट किया है कि ज़्यादातर 40 से 50 के बीच ही इनकी डेथ हो गई थी, यानी आयु बहुत ही कम आयु में इनका देहांत हुआ था। खुद भारतेंदु जी का 35 साल की आयु में देहांत हो गया था। अगले हैं फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, ये तीनों भारतेंदु मंडल, भारतेंदु ने अपना एक मंडल बनाया हुआ था, उसी मंडल के ये रचनाकार थे। और उससे अगले अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1850 में जन्म, 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी 35 साल की उम्र में। ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, ये थे भारतेंदु युग के रचनाकार। अगला है फ्रेंड्स, अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में भारतेंदु ने कौन सी रचना की थी? तो फ्रेंड्स, विजयनी विजय पताका ये इनकी रचना थी। अंग्रेजों ने जब मिस्र देश पर विजय हासिल की थी तो उनकी रचना थी ये। भारतेंदु कृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है, फूलों का गुच्छा किस तरह की रचना है भारतेंदु की? फ्रेंड्स, ये खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं हैं, कविताओं का संग्रह है उनका, भारतेंदु जी का, फूलों का गुच्छा नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारतेंदु युग के कवि नहीं है? तो फ्रेंड्स, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन ये भी भारतेंदु युग के कवि हैं, राधा कृष्ण दास भी हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, श्रीधर पाठक नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगले रचनाकार हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है? तो फ्रेंड्स, इनकी रचना है शिव शंभू का चिट्ठा। और फ्रेंड्स, ये बाबू बाल मुकुंद गुप्त ये हरियाणा के रचनाकार हैं और इनका जन्म गुड़ियानी गांव रेवाड़ी में हुआ था। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये, और ये दोनों कालों में रहे हैं, ये भारतेंदु युग के भी हैं और अगले द्विवेदी युग के भी प्रमुख रचनाकार हैं, दोनों कालों को जोड़ते हैं ये। भारत बारह मासा किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, ये रचना है राधा कृष्ण दास की, राधा कृष्ण दास की रचना है। भारत नाम से बहुत सारी रचनाएं हुई इस युग में, भारतेंदु युग में, भारतेंदु ने खुद इस नाम से बहुत सारी रचनाएं की, इसी कारण से इनको भारतेंदु नाम की उपाधि मिली थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक कौन कौन से हैं? तो ये नाटकों की लिस्ट है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, धनंजय विजय, सत्य, हरिश्चंद्र, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, ये इन्होंने ट्रांसलेट किए थे, मुद्रा राक्षस, सत्य, हरिश्चंद्र, वैदिकी, हिंसा, हिंसा ने बहुती, नील देवी, विशस्य, विषय, विषमोस्तम, ये इनकी इनके नाटक थे। और नाटकों की शुरुआत फ्रेंड्स इन्होंने की थी हिंदी भाषा में, खड़ी बोली में। भारतेंदु ने किसके भारत आगमन पर श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा था? तो फ्रेंड्स, ये एक पत्र का संपादन कार्य भी करते थे भारतेंदु जी, तो इन्होंने महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर ये पत्र लिखा था, इनकी पत्रिका में शायद इन्होंने छपा होगा ये। अगले हैं, द्विवेदी युग का नामकरण किन के नाम पर हुआ है? अगला युग फ्रेंड्स द्विवेदी युग, उसके बारे में बताया जाएगा आपको। सरस्वती युग के, सरस्वती जो पत्रिका थी उसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम रखा गया था द्विवेदी युग। और फ्रेंड्स, सरस्वती 1900 से ये युग शुरू हो गया था, इसी साल से समाप्त हो गया था भारतेंदु युग का समापन भी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बार ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कंपटीशन एग्जाम्स में, इस कारण से इस क्वेश्चन को इसमें, इस वीडियो में भी शामिल कर लिया है मैंने। हरिश्चंद्र को 1880 में कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी?
तो फ्रेंड्स 1880 में इनको उपाधि मिली थी भारतेंदु की, और इससे पहले इनका हरिश्चंद्र ही नाम था। इन्होंने भारत की राष्ट्रीयता को लेकर जो इन्होंने रचनाएं लिखी थी उसी के कारण इन्होंने इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। और किन्होंने दी थी? तत्कालीन साहित्यकारों और पत्रकारों ने ये उपाधि इनको दी थी। अगला प्रश्न है, साहित्य की दो धाराएं हैं गद्य और पद्य, इनमें से गद्य विधा मुख्यतः देन है, कौन से काल की देन है? फ्रेंड्स ये आधुनिक काल की, उससे पहले के रीति काल थे, भक्ति काल थे, आदि काल थे, सभी में पद्य में ही रचनाएं हुई हैं। और फ्रेंड्स इस काल का, भारतेंदु काल का और इन कालों का एक और खास बात रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य की दो धाराएं हैं गद्य और पद्य, इनमें गद्य विधा मुख्यतः देन है। तो फ्रेंड्स आधुनिक काल में ही गद्य विधा का विकास हुआ है, इससे पहले पद्य में ही ज़्यादातर रचनाएं की जाती थी। रीतिकाल, आदिकाल और भक्तिकाल में सभी रचनाएं पद्य में ही की जाती थी, यानी कविताएं ज़्यादातर लिखी जाती थी। और इस काल में नाटक, निबंध और जो उपन्यास हैं उनकी शुरुआत हो गई थी। भारतेंदु के आत्मकथात्मक उपन्यास का नाम क्या है? तो भारतेंदु जी की यह आत्मकथा है फ्रेंड्स, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारात्मक निबंधों की रचना हेतु हिंदी का एडिशन किन्हें कहा जाता है? तो फ्रेंड्स निबंधों की रचना हेतु इनको हिंदी का एडिशन कहा जाता है, इनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। और भारतेंदु युगीन बालकृष्ण भट्ट, इनकी रचनाएं कौन से निबंध प्रमुख हैं? इनके दो निबंध हैं, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, और भी निबंध हैं फ्रेंड्स इनके, लेकिन मेन यही है चंद्रोदय, ये दो निबंध हैं इनके। चंद्रकांता रचनाएं 1887 में रचना की गई थी इसकी, इसके रचनाकार कौन है? देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं फ्रेंड्स, तिलिस्म से संबंधित रचनाएं हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोनों ही कहानियाँ। देवकीनंदन खत्री ने इनकी रचना की थी। और अगले फ्रेंड्स, जो मेघदूत जिसकी रचना कालिदास ने की थी फ्रेंड्स संस्कृत भाषा में, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? इस काल में फ्रेंड्स काफ़ी सारे अनुवाद हुए संस्कृत वगैरह से, राजा लक्ष्मण सिंह ने ये अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और फ्रेंड्स इस काल में एक और, भारतेंदु युग की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्राचीन और नवीन का समन्वय इस युग में देखने को मिला है। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? राजा शिव प्रसाद का निकनेम है सितारे हिंद। इनकी रचना है फ्रेंड्स एक प्रमुख मानव धर्म सार। और फ्रेंड्स एक इस युग में सबसे बड़ा बदलाव हुआ, पहले तो कवि क्या थे, दरबार के लिए लिखते थे, दरबार के लिए कार्य करते थे, और इस युग में पत्रकारिता शुरू हुई, पत्रकार खुद अपना संपादक बन के बैठ गए थे, कवि वगैरह लेखक वगैरह दरबार के लिए बहुत कम ही रह गए थे, इससे पहले दरबार के लिए रचनाएं लिखी जाती थी। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देख लिया हमने। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य को नवीन विषय की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये हैं भारतेंदु जी, इनको हिंदी भाषा को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय दिया जाता है। काफ़ी चेंज, आधुनिक युग की शुरुआत इनसे ही हुई, भारतेंदु जी से ही। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बकरी विलाप ये रचना किन की है? भारतेंदु जी की रचना है ये फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये पुस्तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य का विकास, इसी के आधार पर ये जो काल विभाजन हुआ है, रीतिकाल, भक्तिकाल, सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व रखती है फ्रेंड्स ये है रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये रचना है। भारतेंदु नामक पत्रिका का संपादक कौन थे? राधाचरण गोस्वामी। अगला, नवभगत माल किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स नवभगत माल, राधाचरण गोस्वामी की। अगला है फ्रेंड्स, विशाख दत्त का एक संस्कृत नाटक है, इसका अनुवाद किसने, भारतेंदु जी ने किया था, मुद्रा राक्षस इसका नाम है, विशाख दत्त।
फ्रेंड्स, इस युग का दूसरा नाम था पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग का। तो इससे अगला युग रहेगा द्विवेद युग, उस युग का आपको दूसरा नाम बताना है। दूसरा और पॉपुलर नाम क्या था द्विवेद युग का? और फ्रेंड्स, आधुनिक काल का दूसरा, पूरे आधुनिक काल का दूसरा नाम क्या रख दिया गया है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो यही है फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस आपके लिए। धन्यवाद।